नमस्कार साथियों, डाइजेशन एंड एब्जर्वेशंस, डाइजेशन को हटा दो। क्यों? क्योंकि डाइजेशन तो कंप्लीट हो चुका, डाइजेशन तो कंप्लीट हो चुका। अब जो सेकंड पोर्शन था एब्जर्वेशन, तो एब्जर्वेशन चलेगा। जल्दी से निकाल दीजिए अपने डॉट पेन रजिस्टर को और लिखना शुरू कर दीजिए। डायग्राम की जरा आउटलाइन भी बनाने आप लोग, तो इसमें आपको एब्जर्वेशंस पढ़ाया जाएगा, अवशोषण पढ़ाया जाएगा। अवशोषण की क्या डेफिनेशन होती है, अवशोषण की क्रिया क्यों की जाती है, अवशोषण किन भागों में होता है और किन स्ट्रक्चर के द्वारा उन भागों में होता है, फूड का एब्जर्वेशन किस भाग में होता है, कौन से भाग में किस फूड का एब्जर्वेशन किया जाता है, वाटर का एब्जर्वेशन कहाँ होता है, ये सारे भाग इस पार्ट में बताए जाएंगे। तो सबसे पहले एब्जर्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं। एब्जर्वेशन की डेफिनेशन, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स में पहुंचाना एब्जर्वेशंस कहलाता है। एब्जर्वेशंस के लिए एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जो सरफेस एरिया को 600 टाइम इंक्रीज करते हैं, 600 टाइम इंक्रीज करते हैं। ये तीन प्रकार की स्ट्रक्चर होती हैं। तीन प्रकार की कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं ये देखें आप। फर्स्ट नंबर की जो होती है, जो सर्कुलर फोल्ड कहा जाता है, ये 3 टाइम सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। दूसरी जो स्ट्रक्चर होती हैं, जिन्हें विलाई कहा जाता है, यह 10 टाइम सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। तीसरे नंबर की जो स्ट्रक्चर होती है, जिसको माइक्रो विलाई कहा जाता है, यह 20 टाइम सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। इस प्रकार से 3 × 10 × 20 = 600 टाइम सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। भाई ये स्ट्रक्चर जिन प्लेस पर पाए जाएंगे वहाँ अवशोषण की विशेष सतह बढ़ जाती है। अवशोषण के लिए जो सरफेस थी वह बढ़ गई, तो निश्चित तौर पर सरफेस उस सतह पर निश्चित तौर पर अवशोषण का कार्य अधिक किया जाएगा। इसके अलावा म्यूकोसा लेयर में कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें एब्जर्वेटिव सेल्स कहा जाता है, यह एब्जर्वेशंस का कार्य करती हैं। तो देखें एब्जर्वेशंस का कार्य किस भाग में किन किन पदार्थों का होता है। तो सबसे पहले आपको कहाँ बताया जाता है, बकल कैविटी में। तो फर्स्ट नंबर पर जो एब्जर्वेशन का कार्य किया जाएगा वह बकल कैविटी में किया जाएगा। तो पहले आप और हम लोग पदार्थ देख लेते हैं जिनका एब्जर्वेशन होता है। तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल क्या था, प्रोटीन। प्रोटीन का सिंपल फॉर्म में बदला गया तो अमीनो एसिड हुआ, यानी अमीनो एसिड का एब्जर्वेशन किया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च ग्लाइकोजन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया तो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज के एब्जर्वेशन किया जाएगा। फैट का सिंपल फॉर्म फैटी एसिड और ग्लिसरॉल था, इनका एब्जर्वेशन किया जाएगा। वाटर, मिनरल्स और विटामिन सरल रूप में लिए गए थे जिन्हें डाइजेस्ट नहीं किया गया था, इनको सिर्फ सिंपल रूप में मुख्य रूप से लिया गया और उसी रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। क्लियर। तो अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, वाटर और मिनरल्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी, इनका जो एब्जर्वेशन होता है वह ब्लड वेसल्स में पहुंचाए जाते हैं एब्जर्वेशन करके। जबकि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल और फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के को एब्जॉर्ब करके लिम्फ वेसल्स, लसिका वाहिनी या लैक्टिल्स में मुख्य रूप से डाल दिया जाता है। ये यहाँ पदार्थ पहुँचाए जाते, विशेष तौर पर ध्यान रख लेना, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करके लिम्फ वेसल्स में पहुँचाया जाता है। तो सबसे पहले बक्कल कैविटी में एब्जर्वेशन, बक्कल कैविटी में किसी प्रकार के फूड मटेरियल का एब्जर्वेशंस या अवशोषण नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ एक ड्रग आती है जिस ड्रग को इफेड्रिन कहा जाता है। इस इफेड्रिन ड्रग का सिर्फ
एब्जॉर्बेशन किया जाता है। जब आप और हम लोग मेडिसिंस लेते हैं, उन मेडिसिन में यदि इफेड्रिन ड्रग है तो उस समय वक्कल कैविटी द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है। दूसरा जो एब्जॉर्बेशन होता है स्टमच वाले पार्ट में, स्टमच वाले पार्ट में एल्कोहल का एब्जॉर्बेशन किया जाता है, एल्कोहल का एब्जॉर्बेशन किया जाता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्बेशन किया जाता है और वाटर अर्थात पानी की कुछ मात्रा का एब्जॉर्बेशन किया जाता है। जब व्यक्ति मेडिसिंस के रूप में या अन्य प्रकार के माध्यम से एल्कोहल को लेता है तो उस समय एल्कोहल का एब्जॉर्बेशन स्टमच वाले भाग में ही हो जाता है। विटामिन B12, यदि आपको ध्यान होगा पिछले पार्ट आप देखेंगे तो मैंने स्टमच वाले भाग की जो म्यूकोसा लेयर थी वहाँ एग्जेंटिक सेल्स बताई थी, ध्यान है फंडिक वाले पार्ट में ऑर्गेंटिक सेल्स पाई जाती हैं। ये ऑर्गेंटिक सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल बनाने का कार्य करती हैं, ये इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल ही विटामिन B12 का एब्जॉर्बेशन करते हैं और कुछ मात्रा में पानी का ऑब्जर्वेशन हो गया, कुछ मात्रा में ही पानी का ऑब्जर्वेशन हो गया। क्यों? क्योंकि पानी का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो कोलोन वाले भाग में मुख्य रूप से होता है। तो ये हुआ। तीसरा पार्ट जो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, छोटी आंत में मुख्य रूप से अवशोषण का कार्य किया जाता है। मुख्य अवशोषण छोटी आंत में ही होता है, अर्थात जो मैंने तीन स्ट्रक्चर बताई थी आपको सर्कुलर फोल्ड, विलाई और माइक्रोविलाई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पाई जाती हैं, जिसके कारण इस स्थान पर 600 गुना सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिस कारण से ही सभी प्रकार की सरल भोज पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में ही हो जाता है। तो यहाँ कौन कौन से पदार्थों का अवशोषण हुआ? अमीनो एसिड, दूसरा आपका ग्लूकोज का अवशोषण करके ब्लड कैपिलरीज यानी रुधिर कोशिकाओं में पहुंचाया गया, रुधिर केशिकाओं में पहुंचाया गया। इसके अलावा फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फैट सॉल्युबल विटामिन ADEK का अवशोषण करके ये जो भाग है जिनको लिम्फ वेसल्स या लसिका वाहिनी कहा जा रहा है इनमें अवशोषण किया जाता है। अवशोषण मुख्य रूप से इन पदार्थों का इन भागों में हो गया। अब आपके पास क्या बचा? सिंपल फॉर्म में जो बचा वह है वाटर और मिनरल्स बचे। यह वाटर और मिनरल्स मुख्य रूप से जो लार्ज इंटेस्टाइन का सेकेंड नंबर का भाग होता है जिसको कोलोन कहा जाता है, उस कोलोन वाले भाग में मुख्य रूप से वाटर का एब्जर्वेशन कर लिया जाता है। तो मैं एक बार यहां लिख दूं, अमीनो एसिड का एब्जर्वेशन ब्लड वेसल्स में हुआ, ग्लूकोज का एब्जर्वेशन ब्लड वेसल्स में हुआ, इधर वाटर का एब्जर्वेशन ब्लड वेसल्स में हुआ और वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एवं सी का एब्जर्वेशन भी मुख्य रूप से ब्लड वेसल्स में हुआ और मिनरल्स या इनको शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ साल्ट, साल्ट का एब्जर्वेशन भी मुख्य रूप से किस में हुआ? ब्लड वेसल्स में हुआ, ब्लड वेसल्स में कर लिया गया। जबकि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का जो एब्जर्वेशन होता है वो लिम्फ वेसल जो बिल्कुल मैंने सेंटर में बनाई है जिनको लचका बाहिनी कहा जा रहा है, देख रहे होंगे ये ब्लैक कलर की जो आउटलाइन मैंने बनाई है यह आपकी लिम्फ वेसल्स और लचका बाहिनी है जिन्हें लैक्टिस कहा जाता है, इनमें एब्जर्वेशन होता है। आगे जैसे ही वाटर बहा तो कोलोन वाले भाग में मुख्य रूप से यहाँ पानी का अवशोषण कर लिया जाता है। तो ये एब्जर्वेशन किन भाग में हुआ और किन किन पदार्थों का हुआ यह बताया जाता है। अब आता है कि एब्जर्वेशन तो हो रहा है तो एब्जर्वेशन की कौन कौन सी विधि होती है, क्या सामान्य तौर पर ही एब्जर्वेशन? तो एब्जर्वेशन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के फलस्वरूप होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के फलस्वरूप मुख्य रूप से पदार्थों का
एब्जर्वेशंस किया जाता है, यानी विसरण और परासरण क्रिया के माध्यम से। तो इस प्रकार से अवशोषण की कौन कौन सी विधि हो सकती है? अवशोषण की दो विधि होती है। नंबर एक निष्क्रिय अवशोषण, निष्क्रिय अवशोषण अर्थात पैसिव एब्जर्वेशन। ठीक है, पैसिव एब्जर्वेशन। तो ये जो एब्जर्वेशंस की जो विधि है, इस प्रकार की विधि में किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जाता है, ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जाता है, अर्थात सीधे सीधे डिफ्यूजन के फलस्वरूप भोज्य पदार्थों का एब्जर्व होकर सीधे सीधे ब्लड कैपिलरीज में पहुंचा दिए जाते हैं। दूसरा जो एब्जर्वेशंस होता है, इस एब्जर्वेशंस को सक्रिय अवशोषण, सक्रिय अवशोषण कहा जाता है, यानी कि एक्टिव एब्जर्वेशन। इस प्रकार के एब्जर्वेशंस में क्या होता है, कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास या कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ विशेष प्रकार के वाहक पदार्थ पाए जाते हैं, जो एब्जॉर्बेटिव पदार्थ यानी जिनको अवशोषित किया गया था, उन अवशोषित करने वाले पदार्थों के साथ ये वाहक जो पदार्थ है वह संयुग्मित करके ब्लड वेसल्स में पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसमें इसमें विशेष बात ध्यान रख लें कि मुख्य रूप से एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च होती है, अर्थात ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो विशेष ध्यान रखें, इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग नहीं किया गया था, जबकि जो सक्रिय अवशोषण एक्टिव एब्जर्वेशंस है, इसमें ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से विभिन्न पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। तो ये आपको क्या पढ़ना है, एब्जर्वेशन या अवशोषण में पढ़ना है। अब अवशोषण हो गया, डाइजेशन पहले हुआ, फिर अवशोषण हो गया, अवशोषण के बाद यह पदार्थ कहाँ पहुँचा दिए गए, ब्लड वेसल्स में पहुँचा दिए गए, लिम्फ वेसल्स में पहुँचा दिए गए, यानी कि अब बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं। तो बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं तो सर्कुलेशन के फलस्वरूप ये घूमते रहेंगे तो क्या मतलब है, यानी कि कोशिकाओं के द्वारा इनको ले लिया जाता है, ये जो सरल पदार्थ थे कोशिकाओं के द्वारा कच्चे पदार्थ के रूप में ले लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। इसी क्रिया को स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहा जाता है। ब्लड वेसल्स में घूम रहे सरल भोज्य पदार्थों को, सिंपल फूड मटेरियल को कोशिकाओं के द्वारा नए पदार्थों के रूप में बनाना ही स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है। स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है। अमीनो अम्ल को लिया कोशिकाओं ने तो प्रोटीन बना दिए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को लिया उसके फलस्वरूप वसा का निर्माण कर दिया कोशिकाओं के द्वारा, क्लियर। और ग्लूकोज को लिया, क्या ग्लूकोज को लिया तो ग्लाइकोजन बना दिए गए। तो यानी कि क्या किया गया कि एसिमिलेशन में, एसिमिलेशन प्रोसेस में सरल पदार्थों को कोशिकाओं द्वारा ग्रहण किया गया और जटिल पदार्थों में बना दिया, यानी कि ये कच्चे पदार्थ ही कोशिकाओं में जटिल पदार्थ प्रोटीन है, वसा है, क्या और ग्लाइकोजन जैसे पदार्थ हैं, इनको बनाने का कार्य कोशिकाओं में किया जाता है। इसी प्रक्रिया को स्वांगीकरण या एसिमिलेशन के नाम से जाना जाता है। देखिए, डाइजेशन फूड का हो गया, एब्जर्वेशंस हो गया और एसिमिलेशन भी हो गया। अब फूड क्या 100% डाइजेस्ट हुआ? फूड का कुछ भाग तो शेष बचा होगा जिसको अनडाइजेस्ट फूड कहा जाता है। यह अनडाइजेस्ट फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचाया जाता है। उसका क्या होता है यह मैं अगले पार्ट 16 में आपको बताऊंगा।